हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि जो जेसीबी का जो मीटर है ना, जो रीडिंग बोलते हैं उसको, रीडिंग पे अपना टाइम कैसे कैलकुलेट करें। मतलब जेसीबी का कितना घंटा चला, तो आप कहीं पे भी काम पे जा रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा काम है, वहाँ पे लिख लेते हैं टाइमिंग, घड़ियाल के टाइमिंग से नहीं लगाते, रीडिंग के ऊपर लिख लेते हो। मतलब रीडिंग से टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए रीडिंग लिखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जेसीबी का जो रीडिंग है ना, मीटर बॉक्स, मीटर से अपना टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा रीडिंग से टाइमिंग कैसे पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मीटर बॉक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे रीडिंग रहता है। जो जेसीबी का इंजन कितना घूमता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट बढ़ता रहता है। मतलब इंजन कितना घंटे चला अब तक, जब से जेसीबी स्टार्ट हुआ, मतलब जेसीबी का जो नया जेसीबी था ना, जब से सबसे स्टार्ट किया है ना, अब तक इसमें कितना घंटा चला है इंजन, उसका इस यहाँ से कैलकुलेट पता चल जाता है जो रेडिंग है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम काम करने जाते हैं ना, वहाँ पे ये रेडी लिख लेते, मतलब टाइमिंग यहाँ से पता लगा लेते हैं टाइमिंग, इससे कैसे पता चेक करे। तो दोस्तों, अभी मैं दिखा देता हूँ चालू करके। अभी ये रेडिंग बंद रहता है, मतलब बंद रहेगा ना मशीन तो रेडिंग बंद रहता है। तो चलिए अभी चालू करते हैं। चालू करने के बाद आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितना रेडिंग चला है अभी तक, आज तक कितना चला है जैसे भी। तो अभी चालू करता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, देखिए अभी ये रेडिंग है, अभी कितना घंटा चला है आप लोगों को पता चल जाएगा। 1 मीटर मतलब 16,318.8 घंटा आपको ये लिख लेना है। या मैं बंद करता हूँ जैसे भी, आप ये भी ये लिख लेना। अभी मैं लिख लेता हूँ उसको। तो दोस्तों, मैंने अभी ये लिख लिया, 16,318.8 अभी ये लिख लिया। अब जितना अब यहाँ से स्टार्ट करिए, अब से यहाँ पे आपने लिख लिया, अभी जितना अब जब बंद करोगे तब आपके यहाँ पे कितना रह जाएगा, कितना बन जाएगा कि 16, समझो 16,320 हो गया समझो, और 0.031। तो मतलब ये पॉइंट जो रहता है, अभी कैलकुलेट कैसे करने का मालूम है क्या? अभी ये जो लिखा हुआ है ना, इसको उल्टा लिखने का, उल्टा करने का, मतलब पहला जो बंद किया हुआ है ना ऊपर करने का। ये देखिए 16,320.1, और जो जब आपने लिखा था ना स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग वाला नीचे लिखने का, नीचे ये देखिए नीचे लिख दिया, और 318 ना स्टार्टिंग का लिखा था तभी, 0.8 लिख लिया। अभी इसको माइनस करते हैं, अपना मोबाइल से कैलकुलेट करिए, माइनस करिए कितना घंटा होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा सामने ही। ये देखिए अभी इसको माइनस करना पड़ता है, माइनस करो अपने मोबाइल से। अभी मैं अभी माइनस करता हूँ, अपने मोबाइल से ही मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी ये भी कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया था ना, उसको है ना अभी यहाँ पे टाइप करना है, कितना हुआ था 16,318। वो नहीं, सॉरी, वो नहीं लिखने का है, जो आपने अभी बंद किया हुआ ना उसको लिखने का है, 320, 320 वाला लिखने का, 0.1 था जब आपने बंद किया था टाइमिंग, और उसको अभी माइनस करते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में जब चालू किया था ना वो अभी यहाँ पे लिखने का है, यहाँ पे टाइप करने का है। स्टार्टिंग में कौन सा था, 16,318.8। अभी हम इसको बराबर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पता चल गया, ये घंटा पॉइंट, मतलब ये घंटा यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 मिनट, ये 1.3 हुआ है। ये देखिए 1.1, 1 मिनट, पेन काम नहीं कर रहा। 1.3 इसलिए हुआ, मतलब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने का, जो पॉइंट छोड़ के जो आगे का रहता है ना, ये जो पॉइंट बढ़ता रहता है कि आगे का, ये 1 पॉइंट का 6 मिनट होता है, 1 पॉइंट का 6 मिनट,
मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट हो गया ना तो 60 मिनट होता है। ये 1 2 3 4 5, इसको ये जो पॉइंट बढ़ता है ना, ये पॉइंट के आगे का जो बढ़ता रहता है ना, ये 10 हो गया ना तो यहाँ पे 21 हो जाता है, ऐसा बढ़ता है ये। तो इसको ध्यान देने का, अब ये 1.3 हुआ है ना, तो ये कितना हुआ, 6 6 कितना हुआ, 6 6 12 18, ये 18 मिनट हुआ। मतलब ये घंटा 18 मिनट हो गया, कितना हुआ, 1 घंटा 18 मिनट वो चला अभी तक। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट रहता है ना, एक पॉइंट का 6 मिनट का, 6 मिनट का एक पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट रहता है ना 6 मिनट का ये पॉइंट रहता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, पता चल गया ना कैसे करने का कैलकुलेटर। मतलब जब हम अभी स्टार्ट कर दिया मशीन, तो यहाँ पे टाइप कर दिया, तो जब बंद करते ना तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, मतलब उसको जो बंद किया ना, वो टाइमिंग है ना, जो वो रीडिंग है ना, वो ऊपर में लेने का है, स्टार्टिंग में लेने का है। जो स्टार्ट किया था ना, वो रीडिंग नीचे लेने का है, मतलब जो बंद किया ना उस रीडिंग से यहाँ पे माइनस करने का है। जो नीचे बचता है ना, जो होता है ना, वही अपना टाइमिंग रहता है। इससे पता चल जाता है कि कितना घंटा मशीन चला। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा, मेरे को शायद ऐसा 99% मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। मतलब जब आप पढ़ाई नहीं किए हो तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को जब अगर समझ में नहीं आया ना तो नीचे कमेंट कीजिए, आप लोगों को ठीक से मतलब एक और मोबाइल लेके उससे कैलकुलेट करके मैं ठीक से बना दूंगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप पहली बार वीडियो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बाजू वाला घंटा है ना उसको जरूर दबाइए, मतलब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना आपको मिस नहीं हो सकते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।